हेलो, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ विज्ञान यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तेजस्वी राज। आपको पता है मैं आपको पढ़ाता हूँ फिजिक्स, है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया है। ऑलमोस्ट आई हैव मेंटर्ड मोर देन 10,000 स्टूडेंट फॉर IIT JEE, है ना। और बहुत सारे उसमें से टॉप रैंकर्स भी रहे हैं, ठीक है। और मैंने बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में एज अ फिजिक्स फैकल्टी काम भी किया है और कर भी रहा हूँ, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मुद्दे पे आते हैं, वो टॉपिक है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। या इसका दूसरा नाम होता है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि ये टॉपिक वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका? जेई के परस्पेक्टिव से। अगर जेई के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आज हम लोग, मैंने सोचा कि पूरा एक लेक्चर सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, जितने भी वैरायटी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के, जो पॉसिबल है, वो सब अपन आज कवर करेंगे, वो सब अपन आज कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट अस बिगिन गाइस। टुडेज यू नो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। आज हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ये बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है और आपको पूरी आगे की जो फिजिक्स होगी आपकी, मैकेनिक्स, ठीक है, उसमें ये आपको कई जगह पे इसकी एप्लीकेशन दिखेगी। सो आई वांट यू टू बी फुल ऑन फुल कंसंट्रेशन मोड, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलो, ओके बच्चे, तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, इसका फंडा, इसका प्रिंसिपल क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। टोटल वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस कंबाइंड, एंड बाय ऑल दी फोर्सेस मेरा मतलब क्या है, वैसे फोर्स जो कि एक्सटर्नली लग रहे होंगे बॉडी पे, और वैसे फोर्स जो कि बॉडी के अंदर से इंटरनली जनरेट हो रहे होंगे, उन सब फोर्सेस का कॉम्बिनेशन को मिला दो तो उससे जो टोटल वर्क डन होता है प्रोड्यूस, वो बराबर होता है उस बॉडी के या उस सिस्टम के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। सो द स्टेटमेंट इज टोटल वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस कंबाइंड विच इज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आई कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर हम लोग कुछ फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया F1, F2, F3, ठीक है, मान लो चार फोर्सेस लगा। अब इन चार फोर्सेस के द्वारा जो वर्क प्रोड्यूस होगा, इन चार फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, यानी इनका जो नेट फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, यही होगा, ठीक है। तो इन चारों फोर्सेस का जो कंबाइंड नेट फोर्स है, ठीक है, इन चारों फोर्सेस का जो कंबाइंड नेट फोर्स है, वो जो वर्क डन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो जो वर्क डन प्रोड्यूस करेगा, यानी टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्यों, क्योंकि सारे फोर्सेस का कंबाइंड फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं, तो टोटल वर्क डन, वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम के। यानी ये जो सिस्टम है, मान लो इसका मास एम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी चेंज होगी, यानी पहले जितनी थी और बाद में जितनी होगी, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे है, वो है इन फोर्सेस पे, और इन फोर्सेस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया वर्क पे, इन फोर्सेस पे, और इन फोर्सेस के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड वर्क है उस पर डिपेंड करेगा कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर।
तो समेशन ऑफ डब्ल्यू टोटल क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, वेयर के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, या फिर इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, अगर हाफ एम कॉमन ले लिए तो वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, ये अपना क्या हो गया टोटल। ठीक है, सो ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट वर्क एनर्जी थ्योरम का, और ये जो मैंने अभी ऊपर पूरा बताया ये था इसका थियोरेटिकल स्टेटमेंट। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, अब्सॉर्ब इट फॉर फ्यू सेकंड्स, ट्राई टू अब्सॉर्ब व्हाट इज रिटन, इट्स वेरी सिंपल बच्चों, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है जो थ्योरी में मैं आपको बता सकूं, बट अब जहां हम लोग बात कर रहे हैं टोटल फोर्सेस की, तो सर टोटल फोर्सेस मतलब क्या? ठीक है, आप बोल रहे हो ना कि जो टोटल फोर्सेस होंगे उनका जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो बट टोटल फोर्सेस किस किस तरीके के हो सकते हैं सर, क्या क्या हो सकते हैं? तो एक हो सकता है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, देखो हो तो सारे ही फोर्स सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर मोस्टली उन्हीं फोर्सेस का नाम लिखूंगा जिनका आपको इस चैप्टर में काम आने वाला है। दूसरा होगा स्प्रिंग फोर्स, तीसरा हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तीसरा क्या हो जाएगा, अब ये दोनों जो होते हैं ये दोनों होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। तो सर नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो कॉन्जर्वेटिव और नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स हमारी अगली टॉपिक है जिसमें कि आप अच्छे से सीखोगे, आराम से सीखोगे कि ये चीजें होती क्या है, बट इतना याद रखना कि दुनिया का कोई भी फोर्स हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी फोर्स हो, ठीक है, उन सब का जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा उसका वर्क डन। ऑल्सो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, सपोज इफ वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक और तरीके का फोर्स ऐड हो जाता है, वो कौन सा होता है? वो होता है स्यूडो फोर्स। तो क्या सर हम स्यूडो फोर्स के द्वारा जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी लेंगे? बिल्कुल यस, जो स्यूडो फोर्स वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा होगा, भले ही वो एक नकली फोर्स होता है, मुझे पता है वो एक इमेजिनरी फोर्स है, एक अपेरेंट फोर्स है, आई नो दैट, वी ऑल नो दैट, बट अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, तो जो नेट फोर्सेज हैं उनका, उनके सम में स्यूडो फोर्स का भी वर्क डन का कॉन्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। ठीक है, यानी स्यूडो फोर्स जो बॉडी पर लग रहा होगा उसकी वजह से बॉडी में कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ उसको भी हमें काउंट इन करना पड़ेगा इन आर टोटल फोर्स। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल, स्टेटिंग दैट वी नीड टू टेक स्यूडो फोर्स का वर्क इनटू अकाउंट। ओके, आई होप यहां तक सबको बिल्कुल क्लियर होगा, आपको ऑब्जर्व करना है, अगर इस कंसेप्ट को यू नो ग्रास्प करना है तो यू कैन पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट और फॉर हाउ मच लॉन्ग यू वॉन्ट टू एंड यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट। मूविंग ऑन, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, बेटा मैं बहुत क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, सो बी वेरी पेशेंट, ठीक है, और बहुत मजा आएगा, क्योंकि देखो ये टॉपिक्स ना, ये सब, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बट इनमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, इनकी जो फॉर्मूले है, जो फॉर्मूला बना हुआ है उसी पर क्वेश्चन करना है, उसी पर वेरायटी वेरायटी ऑफ के बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आते हैं जेई में, हमें वो करना है, हमें वो करना सीखना है, यानी फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखना है। ठीक है, ओके, अ 8 kg ब्लॉक इज मूविंग एट 3 m/s, ठीक है, एक 8 kg का ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है 3 m/s, अ नेट फोर्स ऑफ 10 N इज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, ठीक है, एक नेट फोर्स है, नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स कितना, 3 N, ओके सॉरी 10 N,
अप्लाई हो रहा है कॉन्स्टेंटली ब्लॉक पे इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट। यानी अगर ये ब्लॉक है तो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव भी कर रहा है, ठीक है। यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन अंटिल इट हैज मूव 16 मीटर। तो जब तक ये ब्लॉक 16 मीटर ट्रैवल नहीं कर गया तब तक ये फोर्स इस ब्लॉक पर लगता है। तो व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक? तो ब्लॉक यहां पर इनिशियल वेलोसिटी था उसका 3 मीटर पर सेकेंड, तो अभी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया कि एक 8 kg का ब्लॉक है, उस पर एक कॉन्स्टेंटली 10 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है, और उस नेट फोर्स के वजह से ब्लॉक ने 16 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, और 16 मीटर के डिस्प्लेसमेंट करने के बाद वो फोर्स लगना बंद हो गया। तो अभी बताना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक की कितनी होगी जैसे ही उसने 16 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो दैट W इज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है। वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यहाँ पर सर वर्क डन पॉजिटिव होगा। वाई? बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमें पता है कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। यू नो दैट W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और एफ एस कॉस थीटा हो गया ये, और कॉस 0 डिग्री। दो अगर एफ और एस दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा इज 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ एस के बराबर W अपना, और ये पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन अपना पॉजिटिव है जो कि किसके बराबर है? एफ और एस के बराबर। तो फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 16 मीटर। ये अपना वर्क का काम खत्म। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम अगर हम कॉमन ले लें तो हाफ इंटू मास कितना है ब्लॉक का? 8। वी फाइनल स्क्वायर तो हमें निकालना है। वी इनिशियल यानी इनिशियल वेलोसिटी इज 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9। ओके, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 वी फाइनल स्क्वायर माइनस 9। ये इधर जाएगा 80, ठीक है। अरे 8 इधर आएगा 10, तो वी फाइनल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो नहीं रुक जाओ, मैंने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं बच्चों। ये 80 नहीं होगा ना, अरे ये तो मल्टीप्लाई होगा ना इधर जाकर, तो ये हो जाएगा 320, माय बैड, इज इक्वल टू 8 वी फाइनल स्क्वायर माइनस 9। ये 8 इधर गया तो ये 40 हो गया, 8 4 32 इज इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर माइनस 9। तो वी फाइनल स्क्वायर हो गया 49, 40 प्लस 9, तो दैट इम्प्लाइज वी फाइनल क्या हो गया? 7 मीटर पर सेकेंड। ये अपना क्या आ गया? ये सर आ गया आंसर। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी विथ विच द ब्लॉक वुड बी मूविंग एज सून एज इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। एज सून एज इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 16। क्या किया हमने इसमें? अगेन मैं बताता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज एफ डॉट एस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इज गिवन 10 न्यूटन, डिस्टेंस इज गिवन 16 मीटर, ओके सर। हाफ इनटू एम, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, इसको ब्रेक करोगे तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि हम यहाँ पर पढ़ते आए हैं, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। वही लगाया वैल्यू सब्सिट्यूट की, वी फाइनल हमें निकालना था, वी इनिशियल हमें गिवन था 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर, ठीक है। वैल्यूज डाला, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन है एच सी वर्मा सर की बुक से, ठीक है, कि एक बॉडी है उसको एक सर्टेन हाइट एच से ड्रॉप कर रहे हैं। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच, यहां से इस मान लो ये हाइट एच है, यहां से बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं,
जब ये ग्राउंड पे रीच करता है, जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रीच करता है, तो इसकी जो स्पीड होती है यानी स्पीड ऑफ इम्पैक्ट, वो होती है 1/1.2 √gh। ठीक है, तो हमें बताना है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, यानी हवा में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस ब्लॉक, तो हवा ने जो फ्रिक्शन लगाया होगा इस ब्लॉक पर, उसके द्वारा वर्क कितना हुआ इस बॉल पर, ये हमें निकालना है। ठीक है सर, एयर फ्रिक्शन क्या होता है? तो बेटा आइडियल सिचुएशन में हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मानते थे, याद करो, जब हम वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पर रहे थे, बट रियल सिचुएशन में अगर आप छत पर से कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकोगे, तो हवा भी उस पर अपना एक ड्रैग फोर्स या एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, यानी हवा रोकने की कोशिश करता है उस मोशन को, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसको हम एयर फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो जब रेजिस्टेंस बॉल को प्रोवाइड कर रहा होगा, तब उसके द्वारा कितना वर्क होगा, हुआ होगा इस बॉल पर बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड, ये हमें निकालना है। वर्क एनर्जी थ्योरम अगेन लगाते हैं यहाँ पर भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से आप देखोगे कि ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच, ½ m, और ये अपना V कितना है, 1.2 √gh का स्क्वायर, ½ mv², क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो यही है ना, स्पीड ऑफ इंपैक्ट, जिस स्पीड से बॉल जमीन पर टकराया, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। अगर हम किसी बॉल को हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी तो हम हमेशा जीरो लेते हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्जेक्ट की जीरो होगी। ठीक है, तो वर्क डन इज, ये हाफ, मास तो दिया हुआ नहीं है, इसको एम ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 12 और 24, इट इज 2.4 gh, ये इससे कटेगा, तो ये हो जाएगा, रुक जाओ, वन पॉइंट टू का होल स्क्वायर करने को कुछ, आई नो सिली है बट गलती नहीं होनी चाहिए, 1.2 × 1.2, 1.44 होगा ना बच्चे, 12 2 24 से क्या होता है, 12 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1.2, 1.2 इज 1.44, तो 1.4 ले लेते हैं, तो 2 से 1.4 को अगर हम डिवाइड करेंगे, यानी 1.4 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे, तो 0.72, ये हो जाएगा 0.72 mgh, ये अपना वर्क आ गया। ओके, अब जो वर्क डन किया होगा ग्रेविटी के फोर्स में, वो कितना होता है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी व्हाट, mg, जो कि ग्रेविटी का फोर्स है, और into h, जितने हाइट नीचे आया बॉल। ठीक है, h इज द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, जितना बॉल ने कवर किया होगा व्हाइल द ग्रेविटी का फोर्स वाज एक्टिंग ऑन द बॉल, वो हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, तो mg into h। ओके, तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन, जो टोटल वर्क डन हमने यहाँ पे निकाला, ये हमने क्या निकाला, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या निकलता है, टोटल वर्क डन। तो अगर टोटल वर्क डन में ग्रेविटी का वर्क डन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें मिल जाएगा कि कितना वर्क डन एयर फ्रिक्शन ने किया होगा, तो टोटल वर्क डन 0.72, इसमें ग्रेविटी का वर्क डन सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा 0.72 mgh -mgh, तो 0.72 mgh - 1 mgh, ये हो गया -0.28 mgh, तो ये आ गया अपना आंसर, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस या वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। समझ आ गई बात? तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने ½ mv² इज इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या कर दिया, टोटल वर्क डन के बराबर, टोटल वर्क डन हमने निकाल लिया। अब टोटल वर्क डन हमें पता था, हमें पता है बॉडी फ्री फॉल कर रही है, तो ग्रेविटी भी कुछ वर्क कर रहा होगा, वो भी निकाल लिया हमारा सेट ऑफ फॉर्मूला से, जो कि बहुत ही सिंपल है, mg into h, और टोटल में से ग्रेविटी के वर्क को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बाकी वर्क हो रहा होगा वो और तो कोई नहीं, एयर फ्रिक्शन ही कर रहा होगा, यही अपना फाइनल आंसर हो गया।
Now again, a very beautiful question. A man is driving his 1100 kg car. ठीक है, एक इंसान अपनी 1100 केजी का कार ड्राइव कर रहा था 36 किलोमीटर पर आवर से एक स्ट्रेट हाईवे पे। ठीक है, 30 सेकंड एक्सेलरेट करने के बाद कार की स्पीड हो गई 108 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर से उसने अपना स्पीड बढ़ा लिया 30 सेकंड बाद 108 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, हाउ मच वर्क डिड द इंजन डू ड्यूरिंग दैट 30 सेकेंड। तो कार के इंजन को कितना वर्क करना पड़ा होगा उस स्पीड बढ़ाते वक्त। ठीक है, उस 30 सेकेंड में हमें नेग्लेक्ट क्या करना है, फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क लॉस हो रहा होगा उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे उसको अपन क्या कर देंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन के वर्क लॉस को अपन नेग्लेक्ट करते हुए हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाई द इंजन। इनिशियल स्पीड ऑफ द कार वॉज 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, 36 इंटू 5/18 तो 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज 108 किलोमीटर पर आवर, तो 108 इंटू 5/18 ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हाफ इंटू एम इज हाउ मच, 1100, वी फाइनल कितना 30 का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल कितना 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 550। टू 5 जै 10, टू 5 जै 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 900 माइनस 100 तो 800, और इसको 550 इंटू 800 कर दो। तो ये हो गया अपना वर्क डन। तो इसको अगर हम लोग स्वीट शब्दों में लिखें तो अपना वर्क कितना हो गया, अगर मैं इसको स्वीट शब्दों में लिखूं तो जाएगा 4.4 × 10^5। ठीक है, इसी को हमने क्या कर दिया, डेसिमल में लिख दिया 4,40,000 को, ये अपना आंसर आ गया। तो इसमें भी क्या किया हम लोगों ने, इनिशियल वेलोसिटी मालूम थी, फाइनल वेलोसिटी मालूम थी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किया और निकाल लिया, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, अभी ना थोड़ा सा इसमें वेक्टर इनकलकेट किया है मैंने, वेक्टर इनकलकेट किया है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आप देखो तो आप घबराओ मत, आप बेचैन मत हो, और आप मेरे बच्चे आराम से ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ लो क्योंकि बहुत आसान होता है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो जब तक मैं पानी पी रहा हूँ। एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है, ओके, उसकी वेलोसिटी गिवन गिवन है वेक्टर में, यानी वो 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 6i cap - j cap, ठीक है, मीटर पर सेकंड। भाई 1.00 को j cap ही लिखेंगे ना, 6.00 को 6i cap। ठीक, हमें निकालना है नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू, मतलब ये v इनिशियल हो गया और v फाइनल है 8i cap + 4j cap मीटर पर सेकंड। तो v इनिशियल से वी फाइनल होने के लिए कितना वर्क ऑब्जेक्ट को करना पड़ा होगा हमें ये निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वी नेट वेलोसिटी कितनी होगी पहले ऑब्जेक्ट की, स्टार्टिंग ऑफ द मोशन में नेट वेलोसिटी कितनी होगी। नेट इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 37 मीटर पर सेकेंड, √37। माई बैड, ओके, वी फाइनल कितना होगा, नेट वेलोसिटी इन फाइनल 8 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर कितना होता है, 64 + 16, ये 10 7 8 √80। ठीक है, ये हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे अब हमें ये निकल गया v इनिशियल v फाइनल नेट कितना था। अब अगर k इनिशियल निकालना है, ठीक है,
तो के इनिशियल क्या होगा, हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर, यानी हाफ इंटू 3 kg इंटू बी इनिशियल का स्क्वायर, यानी √37 का स्क्वायर इज 37 ओनली। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आएगा 55.5 जूल। ये आ गया हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, ये हाफ इंटू मास कितना है अगेन 3, वी फाइनल कितना आया था √80, तो √80 का स्क्वायर इज 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 8 4 12 120 जूल्स। तो नेट वर्क डन कितना होगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा अपना कितना, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 120 जूल माइनस 55.5 जूल। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 64.5 जूल, एंड दिस इज योर आंसर। तो देखा हमने वेक्टर के टाइम पे क्या किया, जब हमें वेलोसिटी वेक्टर में दी हुई है तो हमने पहले नेट वेलोसिटी निकाल ली इनिशियल डायरेक्शन में, नेट वेलोसिटी निकाल ली फाइनल डायरेक्शन में वेक्टर का फॉर्मूला लगाकर। जब नेट वेलोसिटीज हमें मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लिया, उसी को तो सबट्रैक्ट करना होता है, तो ही तो टोटल वर्क डन मिलता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें नया क्या है, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके। 1 मिनट, गिव मी अ मिनट, ये सारे आउटडेटेड क्वेश्चन है, इसे मुझे हटाना था। आ जाओ, अब अपन करते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं लाना भूल गया, यहाँ पर अपलोड करना भूल गया। गिव मी अ सेकेंड, रियली सॉरी फॉर द डिले बच्चों। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, जो कि मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन है डीसी पांडे सर के बुक का। ठीक है, जितनी भी बढ़िया बढ़िया किताबें हैं, ठीक है, फिजिक्स की, मैंने सारी किताबों से आपको क्वेश्चन दिया है ताकि आपको कहीं पे भी चूक ना हो जाए, अच्छे कंसेप्ट को सीखना है वर्क एनर्जी थ्योरम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg। इट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 meters, ऑफ 20 meters एंड अटेन्स वेलोसिटी, अटेन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ 10 m/s। ठीक है, तो हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन ऑब्जेक्ट। सिमिलर तरह का क्वेश्चन है ना, जो एससीवी वाले बुक से मैंने करवाया था, सेम क्वेश्चन, आई मीन सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, कि अपने को मास पता है तो टोटल वर्क डन क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है कि 5 kg का मास है जो कि ऊपर से गिर रहा है। ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, कितने डिस्टेंस से गिर रहा है, वो 20 m की डिस्टेंस, यानी हाइट बिल्डिंग की 20 m। फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 10 m/s, तो कितना वर्क डन किया होगा एयर रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय एयर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, यही होगा ना टोटल वर्क। तो वर्क डन बाय एयर कितना हो जाएगा, सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते ना, mgh। मास इज 5, g को ले लेते हैं 10, h इज 20,
ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 1000, 1000 जूल। ठीक है, 5 × 10 50, 50 × 20 1000। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू एम बी फाइनल स्क्वायर माइनस बी इनिशियल स्क्वायर, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हाफ इंटू मास इज 5, बी फाइनल इज हाउ मच, हाउ मच इज बी फाइनल, 10 का स्क्वायर यानी 100, इट इज गिवन यहाँ पे देख लो। ठीक है, वी इनिशियल कितना था, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 जूल्स, 1000 में से 250 जूल्स, यानी टोटल में से ग्रेविटी का वर्क को अगर हम घटा दें तो हमें एयर का वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो एयर का वर्क क्या होगा, वर्क ऑफ टोटल माइनस वर्क ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क ऑफ टोटल इज हाउ मच, 250 माइनस वर्क ऑफ ग्रेविटी इज 1000 जूल्स, तो ये क्या हो जाएगा, 750 जूल, नेगेटिव 750 जूल, ये अपना आंसर। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन किया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। पहले मैं इसका यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ सुंदर सा। ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, ठीक है, जो कि दीवार से एक धागे से हमने लटका रखा है, और ये धागा वर्टिकल से मान लो एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम थीटा एंगल बना रहा है, धागे का लेंथ एल है, और इस बॉल का मास एफ है, एम है, और इस पर फोर्स एफ लग रहा है, बॉल का मास एम है, फोर्स एफ लग रहा तो बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड अ वेरिएबल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट विच ब्रिंग्स दिस स्ट्रिंग ग्रेजुअली एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, इस फोर्स के लगने की वजह से स्ट्रिंग ने एक थीटा एंगल बना लिया है वर्टिकल के साथ। तो हमें निकालना है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ। हमें क्या निकालना है कि जो एक्सटर्नल फोर्स, जो वेरिएबल फोर्स एफ लग रहा है, उसने कितना वर्क करा होगा। ओके, इनिशियली यहां पर था फोर्स लगाया जब हमने बॉल को, तो बॉल एक सर्टेन एंगल बनाया थीटा। ठीक है, अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं या फिर इसको अगर डिड्यूस करें इस तरीके से, दिस इज वर्टिकल, दिस इज द बॉल, नीचे लग रहा होगा एम जी, इधर लग रहा है फोर्स एफ। ठीक है, बॉल ऐसे ट्रेवल किया है, तो मान लो कि ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस एच, मान लो कि कितना ऊपर गया बॉल वर्टिकल से, एच ऊपर गया। ठीक है, ये एच क्या है कि पहले बॉल ऐसे था, ठीक है, पहले बॉल ऐसे था, अब ऐसे से ऐसे गया तो एक सर्टेन लेंथ ऊपर गया ना। ठीक है, मेरी तरफ देखो कैमरा में, सर्टेन लेंथ ऊपर गया तो वो हो गया एच, ये है एल, ये है थीटा। तो एल को लिख सकते हैं हम, या एच को लिख सकते हैं एल 1 − cos θ, यानी एल माइनस एल कॉस थीटा, ये एल था। ठीक है, ये अपना स्लैंटेड लेंथ एल, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये एल और ये एल माइनस एल कॉस थीटा, यही तो ये वाला लेंथ दे रहा है ना। तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एल कॉमन ले लिया, तो एल इंटू 1 − cos θ, यहां तक क्रिस्टल क्लियर। अगेन हमें पता है कि टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा ऊपर, दूसरा ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा जिससे वर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, और तीसरा जो अपना वेरिएबल फोर्स एफ है वो तो लगा ही नहीं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं करेगी।
क्यों नहीं करेगी, देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन तीनों का जो सम होगा वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, यानी इनिशियली जितना काइनेटिक एनर्जी था उतना ही बाद में भी होगा काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जो टेंशन का वर्क होगा, टेंशन का जो वर्क होगा, बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, टेंशन इस तरफ लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो टेंशन का वर्क तो हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 इज जीरो। ग्रेविटी का वर्क कितना लग रहा होगा? ग्रेविटी का वर्क लग रहा होगा बच्चे, -mgh, ठीक है सर। h क्या है अपने को पता है, -mgL 1 माइनस cos थीटा, हम लोगों ने अभी यहाँ पे निकाला था h की वैल्यू। तो mgL 1 माइनस cos थीटा अगर लग रहा है, हमें पता है कि वर्क डन प्लस ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो माइनस ऑफ माइनस mgL 1 माइनस cos थीटा, सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या हो गया, mgL 1 माइनस, दिस इज योर आंसर, यही अपना आंसर, ठीक है। कुछ समझा कैसे निकाला हमने? सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाया, ताकि हम देख लें कि कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। अब उन जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे सबका कलेक्शन जो हो रहा होगा वर्क का, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है। हमें पता है कि अगर ये मैक्सिमम हाइट पर रीच है, कर गया है बॉल यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर बॉल रुक जाएगा, ठीक है। तो रुक जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले भी वो रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में है, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, वो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो कर दिया। टेंशन का वर्क अपने को पता है जीरो होगा, क्योंकि टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज एट 90 डिग्री विथ ईच अदर, एफ एस कॉस 90 इज जीरो। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस एम जी एच लगा दिया, उसको फोर्स के बराबर कर दिया, ठीक है। ट्राई टू ऑब्जर्व इट, ओके। हाँ अब देखो अनदर बैंगर क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास एम वाज स्लोली हॉल्ड अप या वाज स्लोली पुश्ड अप द हिल बाय अ फोर्स एफ, ओके, जो कि मैं दिखाऊंगा अभी कैसे लग रहा है। फाइंड द वर्क डन By this force, ठीक है। और बाकी का मैं मटेरियल बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो एक हिल बनाते हैं, ये हिल है, ठीक है, ये अपना ब्लॉक है, मास है, इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जिसको कि जिससे कि बॉल, ये जो ब्लॉक है, ये हिल पे ऊपर चढ़ पा रहा है, ठीक है। हिल की जो टोटल हाइट है वो है एच, ये गिवेन है क्वेश्चन। और इसका जो बेस लेंथ है वो है एल, बेस लेंथ इज एल, और जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, हमें निकालना है कि एफ फोर्स के द्वारा कितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं अगेन, अगर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये एंगल मान लो थीटा है, इस पर एक लग रहा होगा एम जी,
एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एक अगर ऊपर एक लग रहा है फोर्स इधर एफ, तो एक इधर लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये चार फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ये चारों फोर्सेस आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल। एम जी ग्रेविटी का एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन जो कि लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स अगर आगे जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको पीछे की तरफ लगेगा रोकने के लिए। हमें पता है टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी टोटल वर्क क्या क्या होगा, वर्क बाय ग्रेविटी डब्ल्यू एम जी प्लस डब्ल्यू नॉर्मल रिएक्शन प्लस डब्ल्यू फ्रिक्शन प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो होगा, व्हाई द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, उसका रीजन ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के जीरो होने का, ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, ये कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, तो अगर फोर्स टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स इज नॉट टाइम डिपेंडेंट, सो इट विल नॉट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इनसाइड द ऑब्जेक्ट व्हिच इज टाइम डिपेंडेंट, सो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, सो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज। कूल, सो इसका मतलब कि के फाइनल माइनस के इनिशियल ये हो गया, तो अपने पास बचा क्या, डब्ल्यू एम जी प्लस डब्ल्यू एन प्लस डब्ल्यू ऑफ फ्रिक्शन प्लस डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। डब्ल्यू ऑफ एम जी क्या होगा, व्हाट विल बी डब्ल्यू ऑफ एम जी, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस एम जी एच, ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो ना, देखो ध्यान से, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है बॉडी का, ठीक है, दिस इज डी एस, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, सो वर्क डन विल बी जीरो बाय नॉर्मल रिएक्शन, ओके, ये जीरो हो गए। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे हम कि फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, ये एम जी, ठीक है, तो ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, सो अपने को क्या निकालना है, म्यू एन ना, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, रुक जाओ ऐसे आपको कंफ्यूजन होगा, सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स हम निकाल लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, वर्क डन बाद में निकालेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एम जी कॉस थीटा, कैसे सर, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, म्यू एन होता है फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू एन, एन इज हाउ मच, एम जी कॉस थीटा, सो म्यू एन जी कॉस थीटा, भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एन, एन यहाँ पर क्या होगा, एम जी का वर्टिकल कंपोनेंट, सो म्यू एम जी कॉस थीटा, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट को यहां से हम यहां पर लेकर आ गए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, ये मान लो बहुत ही छोटा डिस्टेंस है डीएस, ये मान लो बहुत ही छोटा डिस्टेंस है डीएस, सो जो छोटा वर्क लगा होगा डी डब्ल्यू ए से बी लेके जाने में, वो माइनस एफ डी एस होगा, माइनस क्यों होगा सर, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, एंगल बिटवीन कॉस, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, सो कॉस थीटा विल बी माइनस, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस, डी एस कॉस थीटा क्या होगा, अगर मैं माइनस म्यू एम जी को बाहर निकाल दूं और इसमें केवल रखूं डी एस कॉस थीटा, यानी इसका कॉस कंपोनेंट, डीएस कॉस थीटा का कॉस कंपोनेंट एल के बराबर होगा, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू एल, सो माइनस म्यू एम जी एल, ये हो गया डी डब्ल्यू, ठीक है, सो फ्रिक्शन का वर्क हमें मिल गया, ग्रेविटी का वर्क हमें मिल गया,
तो इन्हीं दोनों को तो ऐड करना है, जो टोटल वर्क होगा वो होगा माइनस एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल, माइनस नहीं लगेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना फाइनल। आपको क्या लगा था कि इसमें कोई वैल्यू आएगी? नहीं, हो गया टोटल। इस क्वेश्चन से हमें सीखने को बहुत कुछ मिला, फ्रिक्शन के बारे में हमने सीखा इस क्वेश्चन से कि फ्रिक्शन के साथ कैसे वर्क निकालते हैं, और इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे वर्क निकालते हैं। ठीक है, सो ओके बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा आज के टॉपिक से। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। कल हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर फिर से आएंगे, कल या अगली वीडियो जब भी होगी बहुत जल्द, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। अभी वर्क पावर एनर्जी बहुत बचा है और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, तो मजा आने वाला है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव लाइक्ड इट एंड शेयर विद योर फेलो जेईई एस्पिरेंट्स। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।